यह बाद में भाजपा प्रत्याशी दुड़ाराम के खिलाफ शहरवासी उतरे एक सड़कों पर लगाए मुर्दाबाद के नारे। शहर में जुलूस निकाला। पपीहा पार्क के सामने एकत्रित होकर दुड़ाराम के खिलाफ वोट डालने का ऐलान। भाजपा प्रत्याशी दुड़ाराम के खिलाफ फतेहाबाद में शहरवासी उतरे सड़कों पर लगाए मुर्दाबाद के नारे। पपीहा पार्क के सामने एकत्रित होकर दुड़ाराम के खिलाफ वोट डालने का ऐलान किया। पपीहा पार्क के सामने दुड़ाराम के खिलाफ एकजुट शहरवासियों को संबोधित करने वाले भाजपा नेता ने कहा, कब्जाधारी और भ्रष्टाचारी दुड़ाराम को वोट नहीं देंगे। जुलूस के रूप में शहर में नारेबाजी करते हुए घूमे लोग। हजारों लोग पपीहा पार्क के सामने एकजुट हुए, दुड़ाराम के खिलाफ वोट डालने के लिए हुए सहमत। फतेहाबाद में बीजेपी उम्मीदवार दुड़ाराम के खिलाफ शहर के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। देर रात शहर के हजारों लोगों ने उस समय की खिलाफत खुलेआम कर दी जब पंजाबी समुदाय की एक मीटिंग में दुड़ाराम के कुछ कथित गुंडे मीटिंग में मौजूद लोगों को धमकाने पहुंचे। मीटिंग करने वाले शहर के समाजसेवी लोगों ने दुड़ाराम के कथित गुंडों की इस हरकत के बाद शहर में दुड़ाराम मुर्दाबाद और दुड़ाराम भ्रष्टाचारी दुड़ाराम चोर है की नारे लगाते हुए शहर भर में जुलूस निकाला और उसके बाद पपीहा पार्क के सामने एकत्रित होकर हजारों लोगों की मौजूदगी में समाजसेवी लोगों और यहां तक कि बीजेपी के नेताओं ने सरेआम दुड़ाराम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ऐलान किया कि फतेहाबाद में दुड़ाराम को कोई व्यक्ति वोट नहीं डालेगा, हर व्यक्ति दुड़ाराम के खिलाफ अपना वोट करेगा और भ्रष्टाचारी और कब्जाधारी दुड़ाराम को हराने का काम करेगा। दुड़ाराम के खिलाफ बगावत पर उतरे हजारों लोगों को कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गया। जीतेगा और आपको भी सुसाइड करना पड़ेगा साहब, क्योंकि आपने इतने पैसे लगा दिए दुड़ाराम के ऊपर, इस भ्रष्टाचारी के ऊपर, इस व्यभिचारी के ऊपर। इनके ऊपर कौन सा चार्ज है जो नहीं लगता? तो मेरे साथियों, मेरी आपसे विनती हाथ जोड़ के कि आप अपना एक एक कीमती वोट, आप अपना एक एक कीमती वोट दुड़ाराम के खिलाफ डालेंगे। दुड़ाराम के खिलाफ आप डालेंगे वोट। सीएम बन जाती है, लेकिन मानना आज भी सीएम साहब की बात को ही फूल चढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि मैं भ्रष्टाचारी को पसंद नहीं करता, तो फतेहाबाद की जनता जो भ्रष्टाचारी को खत्म कर रही है, हमने सीएम साहब की बात और आपको मैं एक बार बता दूं, हमारे जो साथी है जो आज दुड़ाराम के साथ लगे हुए हैं, वो कहते दुड़ाराम हमारा ये कर देगा वो कर देगा। आप लोगों को एक बात बता दूं, जो भी दुड़ाराम को दूरिया से दुड़ाराम रहने वाला चौधरी बदलना था, ये बात आप सभी मानते हो कि चौधरी बदलना ने मुख्यमंत्री ने उसे चौधरी दुड़ाराम बनाया, वो अपना वो चौधरी बदलना जब अस्पताल के अंदर अपनी आखिरी सांसें गिर रहा था, उस टाइम चौधरी दुड़ाराम के घर भूपेंद्र सिंह हुड्डा फोन का पेड़ गले दिया खा रहा था, ये बात आपको बता दूं। और जो अपने बाप का नहीं हुआ, ये दुड़ाराम अपने बाप का नहीं हुआ, दिमाग नहीं है, जिस तरह बोल बोलेगा उसी तरह मुड़ जाएंगे। ये धक्काशाही, ये तानाशाही, पैसों के दम पे राजनीति ना तो अब होने चाहिए। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है, हर बंदे के अंदर दिमाग है, हर बंदा अपना दिमाग रखता है। अब दुड़ाराम कभी पहले भी 3 बार हार चुके हैं, इस बार भी वो भी जितने बड़ा। और एक बात और सुन लो, हैट्रिक होगी उसकी, हैट्रिक एक विकेट दो विकेट तीन विकेट पूरी करनी है। ये कोई हमारे समाज की लड़ाई नहीं है, ये आप फतेहाबाद विधानसभा के हर बंदे की लड़ाई है, हर वोटर की लड़ाई है। मैं आप लोगों को सिर्फ हाथ जोड़ के ही विनती करूंगा, अपना वोट सोच समझ के अपने दिल पे हाथ रख के आपके वोट डाल रहे। मैं दो नारे लगाऊंगा सिर्फ, गली गली में शोर है, गली गली में।
चुनना विधायक चुनना था, उसमें ये अभी निर्णय नहीं हुआ भाई किसको चुनना है। इतने में 15-20 कुंडे चौधरी जोड़ाराम ने भेजे, उसने ये देखा कि मेरे हक में फैसला नहीं जा रहा, तो उन्होंने आके हमें धमकाना और गुंडागर्दी करने की पूरा हिसाब दिया। हम बड़े परेशान होके बड़े हाथ जोड़े, किसी ने हमारी आवाज नहीं मानी। हम शहर से बाहर निकले, यहाँ झंडे लेके आ गए। हम इन लोगों से बहुत परेशान हैं, कभी किसी का झंडा लेके आ जाता है, कभी किसी का आता है, कभी किसी का आता है। अब मतवाले इसने सारे शहर में कब्जे कर रखे हैं, हम इसको छुटकारा पाना चाहते हैं, जनता से वोट मांगना चाहते हैं और अपने ये इस्लाम करना। ये बदतमीजी किया है, पर्चा दर्ज कराएंगे, ये धुड़ाराम ने किया है उसके ऊपर कराएंगे। वो पहले भी दो बार मीटिंग डिस्टर्ब करी, पहले उन्होंने किया है। ये बीजेपी का विरोध था या फिर किसी बीजेपी का धुड़ाराम का, बीजेपी का कोई विरोध नहीं, धुड़ाराम का विरोध है। बीजेपी के खिलाफ ही करेंगे फिर वोट आप? नहीं, ये हमारा वोट धुड़ाराम के खिलाफ करेंगे, खिलाफ करेंगे हम धुड़ाराम के खिलाफ। घर के आखिर जाते हैं ना, वोट तो देने वाले थे बीजेपी को, 76,000 वोटों से जितवाया था पिछली बार। क्या नाम है जी आपका? भीमसेन आनंद।